गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 बेटा। लास्ट वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हमने सीखा था। सेकंड, टोटल 1 to 5 सेम मेथड के सम थे। इसमें फर्स्ट देखा था, सेकंड देखा था, तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया था उसका। और मैंने बोला था उस वीडियो में कि नंबर 3, 4, 5 सेम पैटर्न के आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद 6 to 9 थोड़े वेरिएशन दिखा रहे हैं, पर इतने प्रॉब्लमेटिक एंड वेरिएशन है नहीं, वो भी आप अपने हिसाब से कर सको। ऐसा है, थोड़ा हिंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले नंबर 3 को वापस रिवाइज करते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। और पावर का वेरिएशन भी 6 में ही है, ओके। एक माइनस के साथ 6 है, उसके बाद 4 और 5 दोनों तो प्लस है, ओके। तो प्लस में तो क्या होता है कि कोई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। दोनों वैसे माइनस में भी हम प्लस के फॉर्मेट में ही इक्वेशन लिखते हैं, पर कोई भी टर्म माइनस नहीं आएगा, सब कुछ प्लस रहेगा। और पावर में 5 वाले ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड देखे हैं, पावर में 6 वाला अभी हम थर्ड देखने जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, 2x-3 के पावर में 6। चलो हम अपने हिसाब से मतलब कि उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम किस तरह से लिखते थे, ऐसे कि भाई 2x बीच में प्लस माइनस 3 के पावर में 6। बोलो कंप्लीट। चलो आगे बढ़े, तो 6 पावर है तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, 6 की 0, पहले 2x की 6 पावर, तब माइनस 3 की 0, फिर 6 की 1, तो 2x की 5 पावर, तब माइनस 3 की 1। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 6 की 2, तब 2x की 4 पावर, माइनस 3 की 2, ओके। फिर 6 की 3, तब 2x की कितनी पावर, 3, माइनस 3 की भी 3, ओके। चलो फिर क्या आए, 6 की 4, तब 2x की 3 से कम होके 2, माइनस 3 की 4। 6 की 5, 2x की 1, माइनस 3 की 5। एंड सेम थिंग, 6 की 6, 2x की 0 एंड माइनस 3 की 6। जितना एक्सप्लेन, टोटल 6 पावर तो टर्म 7 होगी। क्या हो गया बेटा, टर्म 7, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था जो भी पावर उससे एक टर्म ज़्यादा रहेगा। सब कुछ इजीली अपने हिसाब से जो चाहिए था वो लिख दिया, ओके। दूसरी चीज़, ये 6 की 1, 6 की 2 वो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको एडवांस में ढूंढ लेते। देखो 6 की 0 तो कोई इश्यू नहीं है, वो 1 आएगा। 6 की 1, 6 आएगा। 6 की 5, 6 आएगा। 6 की 6, 1 आएगा। प्रॉब्लम 6 की 2 का है। 6 की 2 आपको फ्यूचर में भी नंबर 5 वाले सम में भी काम आएगा। इसमें भी मैंने शॉर्टकट, 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म, 6 + 5, नीचे 2 factorial, तो 2 + 1, तो 2, 3, तो 5 + 3, 15। चलो 6 की 2 का आंसर 15। अब 6 की 3 भी है, 6 के 3 स्टेप, 6, 5, 4, 3 है तो 3 + 2। चलो तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 कैंसल होके 6, तो 5 + 4, 20। फिर 6 की 4 भी है जो डिस्टर्ब करेगा, तो 6, 5, 4, 3, 4 टर्म लिखने पड़ेंगे, नीचे 4 factorial, तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3 कैंसल, 2 से करोगे तो 3, तो 5 + 3, 15। चलो हमको 3 आंसर जो प्रॉब्लम करने वाले थे फ्यूचर में, वो एडवांस में मिल गए। क्या मिल गए, एडवांस में। अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, डालो 6 की 0, 1, 2x की 6 पावर, तो 2 की 6 पावर 64, और x की 6 पावर, किसी की 0 पावर अगेन 1, प्लस 6 की 1 क्या होता है 6, 2x की 5 पावर तो 32x की 5 पावर, माइनस 3 की 1 तो -3। चलो 6 की 2 यहाँ पे किया है 15, ओके। 2 की 4 पावर तो 16, x की भी 4, और -3 की 2 तो 9। चलो प्लस 6 की 3 तो 20, 2 की 3 पावर तो 8, दैट मीन्स x क्यूब, 2 का क्यूब 8, x क्यूब, -3 की 3 पावर तो -27, ओके। साथ ही साथ कैलकुलेटर ले लेते हैं, शायद उसकी ज़रूरत रहेगी, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं।
चलो आगे की बात करें, जो भी सॉल्यूशन करना है 63 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 64, तो 64 का हम कुछ ढूंढ के लाएंगे 15, 2 की 2 तो 4, उसके साथ एक्स स्क्वायर, माइनस 3 की 4 तो 81, 65 खुद 6, 2x की 1 पावर तो 2x, माइनस 3 की 5, आंसर तो 5 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 243, ओके, क्योंकि 5 पावर है तो माइनस 243, 66 1, 2x की 0 पावर 1, माइनस 3 की 6 पावर है तो 243 मल्टीप्लाई 3, तो 729 माइनस है पर वो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है ना, तो 729 सब कुछ हो गया। कैलकुलेटर साथ में रखूं क्योंकि बार बार यूज़ करना पड़ेगा। चलो पहले वाले टर्म में तो क्लियर है, 64x की 6 पावर, चलो ये माइनस है तो बाहर माइनस, वैसे भी एक प्लस माइनस आने वाला है, 6 × 32 × 3, तो 6 × 32 × 3 आंसर 576 एक्स की 5 पावर, फिर प्लस आएगा 15 × 16 × 9, 15 × 16 × 9 तो 2160, तब जाके एक्स की 4 पावर, चलो अब ये माइनस आएगा 20 × 8 × 27, 20 × 8 × 27, 4320, 4320 एक्स की 3 पावर। चलो इधर की बात करें तो प्लस 15 × 4 × 81, 15 × 4 × 81, 4860 एक्स का स्क्वायर, पावर में देखो एक एक कम होती जा रही है, फिर 6 × 2 = 243 माइनस आएगा, 6 × 2 × 243, 2916 तब पावर एक्स है, और लास्ट में तो ओनली 729। बोलो कंप्लीट, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। शायद थोड़ा प्लस माइनस नंबर होंगे मल्टीप्लिकेशन में रह गया हो तो ठीक है, वरना पावर में तो कॉन्फिडेंस है कि 6 5 4 3 2 1 एंड 0, तो पावर में कोई मिस्टेक नहीं है, सम में भी कोई मिस्टेक नहीं है, पर थोड़ा शायद मल्टीप्लिकेशन या कुछ मिस्टेक हो तो थोड़ा देख लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम है। बोलो 3 सम देखे बेटा हमने, बाकी 2 सम का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तो आपको पता चले किस तरह से होते हैं। तो नंबर 4 इसमें आपको दिया है x/3 + 1/x उसकी पावर में 5, और नंबर 5 तो x + 1/x उसकी पावर में 6, शायद दोनों होमवर्क में हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट है, दोनों प्लस है तो कहीं माइनस आने के चांसेस ही नहीं, सब प्लस ही प्लस। 5 पावर का भी 5c2 5c3 हमने ढूंढा हुआ है पहले, 6 के पावर का भी 6c2 6c3 हमने अभी भी ढूंढा हुआ है, आपको उसी में भी मेथड नहीं करनी है तो इतने स्टेप और भी कम, मतलब सम धीरे धीरे बहुत ईजी बनता जा रहा है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, ओके। अब पैटर्न आ रही है 6 से लेके 9 की, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके 9, शायद ये दो सम करने जाओ और फिर ना पता चले, ऐसा होगा नहीं, आपको कंप्लेन करने की कोई शिकायत नहीं आएगी, फिर भी आपको समझ में ना आए तो कॉल या मैसेज में मेरे को पूछ सकते हो कि सर ये वाले सम समझ में ना आए, हम समझा देंगे। नंबर 6 से लेके 9 ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा हल्का सा वेरिएशन है, देख लेते हैं। 96 की पावर में 3 नंबरिंग में है, 96 की पावर में थी तो थोड़े नंबरिंग बढ़े आएंगे, अब तक वेरिएबल में काम चल रहा था x x/2 तो x की पावर आती थी, अब नंबरिंग की आएंगी तो नंबरिंग, तो 96 के पावर में थी तो अभी कैलकुलेटर करके बात ख़त्म कर दे, क्योंकि कैलकुलेटर में 96 × 96 × 96 तो आप उस हिसाब से आंसर कन्फर्म कर सकते हो, बट इसमें क्लियर लिखा है यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। क्या लिखा है? यूज द बाइनोमियल थ्योरम, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ क्रॉस आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा और जो आया वो सही है, पर आंसर नहीं कर सकते। और बाइनोमियल थ्योरम के लिए आप हमेशा जानते हो आप और हम कि दो टर्म तो चाहिए ए एंड बी। दूसरा, अब दूसरा टर्म लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 91 + 5 99 - 3
95+1, पर मैं ऐसा चूज करूं कि जिसकी पावर करने में मेरे को थोड़ा इजी रहे, एज लाइक 100-4 की पावर में 3। चले कि ना चले? 100 इसलिए कि 100 की 3 पावर आए तो मेरे को 0 ही बढ़ाने हैं ना, टेंशन तो है नहीं। प्रॉब्लम है 4 का, तो 4 की 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर में अपने आप जानता हूँ। ओके, तो थोड़ा इजी बन जाए इसीलिए मैंने 100 को चूज़ किया। चूज़ आप कुछ भी कर सकते हो, चलो बीच में प्लस रखो, माइनस 4 की और 3 पावर। चलो स्टार्ट करें, तो क्या हो जाएगा कि 3C0, पहले 100 की 3 पावर तब माइनस 4 की 0 पावर, फिर 3C1 तब 100 की कितनी पावर, 2 पावर और माइनस 4 की कितनी, 1, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर 3C2 तब 100 की कितनी पावर, 1 पावर और माइनस 4 की 2 एंड देन आफ्टर 3C3 तब 100 की 0 एंड माइनस 4 की 3 पावर। धीरे धीरे करके हो गया सब सेटअप, बस ऐसे ही सम करने हैं। थोड़ा एक्सप्लेन, 3C0 खुद 1 होता है, 100 की 3 पावर तो 100 तो 1 के पीछे, 100 100 100 तो कितने 0, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स था ना, माइनस 4 की 0 पावर 1, 3C1 दैट मीन्स 3, 100 का स्क्वायर तो 1, 4 0, माइनस 4 की 1 पावर तो माइनस 4, माइनस 4 की 1 पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। चलो आगे की बात करें, 3C2 तो आंसर आएगा 3, क्योंकि NC n-1 है ना। ओके, 100 की 1 पावर तो 100 खुद, चलो माइनस 4 की 2 तो 16 पर प्लस आएगा, 3C3 खुद 1, 100 की 0 पावर 1, 4 का क्यूब 64 पर माइनस, क्योंकि 3 पावर है, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ओके, तो 4 × 4 × 4, चलो तो 60। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, चलो ये तो कंप्लीट अप टू डेट, 1 के पीछे 2 4 और 6 0, चलो माइनस 4 × 3 = 12 और इसके पीछे 1 2 3 4 0, 6 × 3 = 48 उसके पीछे 2 0 और −64, ये 100 लेने का ये फ़ायदा। ओके, चलो कैलकुलेटर में से कन्फर्मेशन करते हैं, तो 1 के पीछे 60 2 4 6, प्लस क्या है पहले 4800, 4800, चलो ये प्लस है, उसमें माइनस है 12 2 और 2 4 0, ठीक है, फिर माइनस है 64, देन आंसर इज 8847। नंबरिंग बड़े है थोड़ा, आंसर में ध्यान रखना है कि गलती ना, अगेन चेक कर लेते हैं, 1 के पीछे 60 प्लस 4800 दोनों का सम, उसमें से माइनस करना है 1 2 के पीछे 40 −64, टोटल आंसर 8847 36, बिल्कुल क्लियर। देखो सम कितना इजी बन गया, कहाँ था और कहाँ आ गए। ओके, तो 6 से लेके 7 8 9 तीनों ऐसे हैं, अभी और भी एक सम करेंगे, उसके बाद आपको 2 सम में अगेन होमवर्क में दूंगा। ओके, तो बोलो 96 की कितनी पावर थी, 3 पावर और इजीली ख़त्म किया, आगे वाले टोटल 5 तक ख़त्म, 6 से लेके 9 में 6 किया और एक सम करके ख़त्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो यहाँ तक बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, 2-2 सम ही देखे हैं अभी। ओके, पर सामने मेथड के सामने आपको होमवर्क में भी 2 दी है, तो टोटल 4 सम ख़त्म हुए। नेक्स्ट में भी ऐसा होगा, 1 कराऊंगा 2 होमवर्क में दूंगा, तो 3 एक सम ख़त्म और नया कुछ आगे बढ़ेंगे। सिलेबस में हम 11 साइंस में काफ़ी आगे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर जो कराऊ वो प्रैक्टिस और साथ ही साथ अच्छे से कैलकुलेशन करना है। ओके, और आगे की चीज़ को साथ ही साथ रिवाइज भी करना है, ओनली ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 8 चल रहा है तो हमें चैप्टर नंबर 1 से 7 में ध्यान नहीं देना है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है और उसको भी सही से करना है। ओके, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, अभी इतना ही, थैंक यू।